दोस्तों कैसा लगेगा अगर आज हम आपको ये कहें कि फ्लैट के आधे दाम पे आपको दिलाने वाले हैं हम आज इंडिपेंडेंट कोठी। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको बहुत ही प्यारी सी छोटी फैमिली के लिए ड्यूप्लेक्स इंडिपेंडेंट, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ये कोठी जिसमें दो ही अवेलेबिलिटी हमारे पास रहती है। एंड यहाँ पर हमें ग्राउंड फ्लोर पे वन बेडरूम सेट प्रॉपर मिलेगा एंड ऊपर भी हमें वन बेडरूम सेट प्रॉपर मिलेगा। तो देखेंगे ये घर, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हमेशा हमें बोलते रहते कि यार कुछ सस्ता दिखाओ, कुछ सस्ते दाम की कोठी दिखाओ, आप दिखाते ही नहीं हो, दिखाते ही नहीं हो। तो आज हम आपको दिखाने के लेकर आए हैं। सो जिनकी छोटी फैमिली होती है और थोड़ा बजट भी कम होता है, बट हमारा काम क्या है कि आपकी उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना। तो आज हम आपके लेकर आए हैं 36 लाख के अंदर ये कोठी बनी बनाई आप सभी के लिए, जिसमें आपको लोन भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए ना इंतजार करवाते हुए आपको दिखाते हैं ये घर जो कि है 2BHK का। तो चलिए शुरुआत करी जाए। अब 36 लाख बोला है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है क्वालिटी के साथ और अच्छे से डिजाइनिंग नहीं की हुई है, लेआउट अच्छे से निकाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कम बजट में भी बना रहे हैं कुछ तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी चीज बनानी तो हमारा फर्ज है। तो आप खुद देखेंगे 36 लाख में ये वर्थ है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाड़ियों की पार्किंग देखिए, आराम से आप घर के बाहर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक गाड़ी आप आराम से लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो देखिए यहाँ पे हमारी एक जो छोटी गेट है वो आ जाती है, बहुत ही प्यारी सी एक गेट हमें वहाँ पे मिल रही है। उसके बाद टू व्हीलर की पार्किंग की बात की जाए तो आप अंदर भी पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर भी आप एक अपना टू व्हीलर आराम से लगा सकते हो, एक्टिवा या बाइक या साइकिल कैसे भी आप पार्क कर लीजिए यहाँ पर। देखिए पार्किंग की बात कर ली है, बात नहीं की है हमने लोकेशन की। सो आज हम आपको लेकर आए हैं मेन खरड़ में, जो सनी इनक्लेव सेक्टर 125 उसके बिल्कुल नियर पड़ जाता है खरड़। एंड जो खरड़ बस स्टैंड है वहां से ये जो हमारे घर है यहाँ तक का आने का जो डिस्टेंस है करीबन सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर तक का ही है। मेन हाईवे से आपको जस्ट 1 किलोमीटर अंदर आना है और आसपास की लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है और आपको ये आपका ड्यूप्लेक्स हाउस मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 36 लाख के अंदर। वाओ। सो देखिए यहाँ पर हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, ये देखिए हमारी मेन एंट्रेंस है। 36 लाख में डोर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें, बहुत ही अच्छा जाली वाला जो हमारा वुडन का डोर है प्रॉपर। एंड उसके बाद यहाँ पर ये है हमारा प्रॉपर मेन डोर जो कि हमें मिलता है वुडन का। अब आ जाइए घर के अंदर, आपके इस 36 लाख के घर के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो अच्छा काम देखने को मिल रहा है। अब मैं वही आपको कह रही थी ना, आप खुद देखोगे तो आपको क्वालिटी का वर्क पता लग ही जाएगा, क्वालिटी का पता लग जाएगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर हम आपको 36 लाख में भी कुछ बना के दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा वैसा तो नहीं होगा, कुछ अच्छा काम ही आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा आपको आपके 36 लाख के घर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा वर्क आपको मिल रहा है। आज के टाइम में ना 36 लाख में मैं आपको बताऊँ 2BHK ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम मेन हाईवे के पास जाते हैं, मेन हाईवे के पास 2BHK आप लगा के चलिए आज की डेट में 40 लाख से तो शुरुआत होती ही होती है। बट हमें आधे दाम में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक घर अपना खुद का, जड़ से जमीन भी अपनी, छत भी अपनी। तो यहाँ पर आप देखिए फॉल सीलिंग का वर्क मिल रहा है आपको LED लाइट के साथ, यहाँ पे एक विंडो दे दी गई है ताकि जो एक बाहर का व्यू है वो भी बना रहे, एंड साथ ही में आपको वेंटिलेशन प्लस सनलाइट आती रहे। यहाँ पे हमें डिजाइनर वॉल दे दी गई है, तो ये हमारा हॉल एरिया आ जाता है बेसिकली। अगर जैसे हमारी थोड़ी सी फैमिली बड़ी है ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं। ये तो अब आपका घर है, आप जहाँ पे जो मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं। अब किचन की बात आती है तो किचन यहाँ पे दिया गया है इस तरफ को, यहाँ पे ये आपका किचन आ गया, मॉड्यूलर किचन है। नीचे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, इधर आप देखिए चिमनी, यहाँ पे आपको चिमनी दी गई है, यहाँ पे आपका सिंक आ गया, वॉशिंग एरिया ये देखिए, यहाँ पे आपके यूटेंसिल्स आ जाएंगे, प्लेट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके, और उसके बाद नीचे भी आपको काफी सारे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, ये देखिए सिंक यहाँ पे आ गया, गीजर की प्रोविजनिंग यहाँ पे दी गई है आपको, विंडो यहाँ पर दे दी गई है मैंने बताया जैसे। अब बात की जाए वॉशरूम की तो इधर कॉमन वॉशरूम दे दिया गया है। सो आपको दिखाते हैं वॉशरूम जो कि कॉमन वॉशरूम ही है, और वाव मतलब काफ़ी अच्छा काम, अगेन क्वालिटी देखने को मिल रही है। इधर हमारा वॉश बेसिन आ गया, वॉश बेसिन एरिया आ गया, इधर हमारा बाथिंग स्पेस आ गया, और काफ़ी अब वॉशरूम ही देख लीजिए क्वालिटी का काम काफ़ी अच्छा किया गया है। मैं ये बोलूँगी कि बड़े बड़े घरों में, लग्जरी घरों में ऐसे वॉशरूम्स देखने को मिलते हैं, विंडो यहाँ पे दे दी गई है।
और साथ ही में आप ये भी देख ही सकते हैं, क्वालिटी काफी अच्छा है। अब दिखाते हैं आपको बेडरूम। सो ये आपका बेडरूम आ गया, डिसेंट साइज मिल रहा है हमें बेडरूम का। ऊपर हमें फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है, वॉलपेपर यहाँ पे दिया गया है, एंड साथ ही में इधर आ गया वार्डरोब्स। सो इधर अटैच्ड वार्डरोब्स भी दिए गए हैं और फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आए। देखिए प्रॉब्लम हमें आएगी ही नहीं कि हमें हमारे जो क्लोथ्स हैं वो इजीली फिट इन नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी काफ़ी सारी स्टोरेज आपको मिल रही है और स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एंड इसके बिल्कुल साथ ही में ड्रेसिंग एरिया। सो ये आपका ड्रेसिंग एरिया भी दिया गया है, स्टोरेज काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है लिटरली, और काफ़ी अच्छा है। तैयार होते हुए जो लाइट है ना प्रॉपर आपको दिखेगा कि किस तरीके से आप तैयार हो रहे हैं। सामने को टीवी पैनल दे दिया गया है, आपका टीवी आराम से यहाँ पे आ जाएगा, आराम से यहाँ पे इंस्टॉल आप कर सकते हैं टीवी को। रूम काफ़ी अच्छा है, एसी की प्रोविजनिंग भी दे दी गई है, एसी की प्रोविजनिंग ऑलरेडी डन कर दी गई है। आपको ना इस घर में आके अपने से कोई और काम कराने की ज़रूरत फील ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सारा ही काम ऑलरेडी डन किया गया है। इधर को वॉशिंग एरिया दे दिया गया है, सो you know, आपका अगर कुछ क्लोथ्स की वॉशिंग करनी है, वॉशिंग मशीन आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप वॉशरूम में रखने के बजाय आप यहाँ पे रख सकते हैं, उससे क्या है कि आपका जो वॉशरूम है ना उसका जो स्पेस है ना वो कंज्यूम नहीं होगा। तो उस हिसाब से प्लान आउट किया गया है पूरे के पूरे घर को। मतलब मैं अभी तक तो मुझे आई एम इन रियली बिग शॉक क्योंकि 36 लाख में कहाँ अपना खुद का घर मिलता है आज के ज़माने में, वो भी इतनी अच्छी लोकेशन पे कि हाँ हम जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ से अगर हम 1 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें ऐसा घर मिल रहा है जो कि हमारा अपना खुद का, जिसमें ज़मीन भी अपनी है और छत भी अपनी है, क्या बात है। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री जाने की जो है हमारी बाहर से ही आ गई, ये देखिए इधर से ही बाहर से ही दे दी गई है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको कवर करवा लीजिए, कवर करवाने के बाद ना आपका गैस सिलेंडर यहीं पे आ जाएगा क्योंकि गैस की जो पाइपलाइनिंग है वो ऑलरेडी डन कर दी गई है। आपको गैस अपना किचन के अंदर ले जाके रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना गैस सिलेंडर रख सकते हैं। अब आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, अगर हम बात करें मार्केट्स की कि हाँ मार्केट्स कितनी दूर है। देखिए आसपास का एरिया तो जो है सारा का सारा डेवलप एरिया है, मार्केट्स की बात की जाए तो बहुत ही, बस यहाँ से हम एक गली बाहर निकलेंगे मार्केट्स ही मार्केट्स हमें नज़र आएंगी, कॉलेज गुरुद्वारा सब हमें यहीं पे आसपास नियर बाय मिल जाता है। सो ये हमारा आ जाता है ऊपर बालकनी वाला एरिया, हमारा बालकनी स्पेस आ गया। एंड यहाँ पे आता है अगेन जैसे हमने नीचे देखा था सेम एज इट इज ऊपर भी देखने को मिल रहा है, पहले आपका मैश डोर आ गया एंड मैश डोर के बाद ये आता है प्रॉपर वुडन का डोर। सो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, अगेन हॉल एरिया, ये हॉल स्पेस आ गया। अगर जैसे आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं फैमिली के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं नीचे आप रह लीजिए, ऊपर ये अगेन 1 बेडरूम सेट आप कर दीजिए रेंट पे, रेंट पे दे दीजिए, आपको रेंट भी आता रहेगा अपने खुद के घर से, एंड साइड बाय साइड आपका EMI भी निकलता रहेगा, है ना प्लान बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे आपका किचन आ गया और साथ ही में उसके बाद इस तरफ को आपको दिखा देते हैं वॉशरूम, ये वॉशरूम दे दिया गया है, विंडो आ गई वॉशरूम के अंदर। एंड लेके चलते हैं बेडरूम की ओर, ये देखिए ये बेडरूम दे दिया गया है, एंड यहाँ से इधर से एक्सेस बनाया गया है छत पे जाने का सीधा, और यहाँ पे भी आप वॉशिंग कर सकते हैं, आपका वॉशिंग मशीन नजर आ जाएगा, टैप्स क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो जल्दी से कर लीजिए इस घर को अपने लिए बुक, बिल्कुल भी मत सोचिए ना यहाँ का ना वहाँ का, लोग क्या बोलेंगे यार, कुछ बस कुछ मत सोचो, बस इस घर को जल्दी से बुक कर लो अपने लिए क्योंकि इस लोकेशन पे अगर इतना अच्छा घर मिल रहा है आपको तो आप ले ही लो, कुछ मत सोचो। बाकी अगर कुछ जानना हो इस घर के बारे में पर्टिकुलरली तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हैरी द टीम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। टिल देन प्लीज अपना ध्यान रखिएगा ताकि हम सब मिलते रहें अगली वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।